अस्सलाम वालेकुम, 10th क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विच इज लाइट पाइप एंड एंडोस्कोप। ये दो आज की एप्लीकेशन है जो कि हमने डिस्कस करनी है। इससे पहले हम दो एप्लीकेशन डिस्कस कर चुके हैं। तो लाइट पाइप, व्हाट इज लाइट पाइप? लाइट पाइप इज ए बंडल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स बाउंडेड टूगेदर। अब थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर होती हैं जिनको टूगेदर बाउंड किया जाता है, इकट्ठा जोड़ा जाता है एक ही पर्पज के लिए। लाइट पाइप इज ए बंडल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स बाउंडेड टूगेदर। थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर को बाउंड किया जाता है, इकट्ठा जोड़ा जाता है। दे आर यूज टू इल्यूमिनेट द इनएक्सेसिबल प्लेसेस बाय द डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स। इनएक्सेसिबल प्लेसेस, ऐसी प्लेसेस जहां तक आसानी के साथ हमारी रसाई ना हो, वहां तक एक्सेस के लिए ये यूटिलाइज होती हैं और इनको डॉक्टर्स या फिर इंजीनियर इसको यूटिलाइज करते हैं। अब डॉक्टर्स ह्यूमन बॉडी के इनसाइड अंदर देखने के लिए, एग्जामाइन करने के लिए, कोई ऐसा पार्ट है जो अगर डैमेज हो गया है, जिसमें डिफरेंट किस्म की डिजीजेस प्रोड्यूस हो गई हैं, उसको चेक करने के लिए डॉक्टर्स लाइट पाइप का इस्तेमाल करेंगे। या फिर इंजीनियर्स जो हैं, वो हमारे पास एक ऐसी जगह है जहां तक वो आसानी के साथ उसका एग्जामाइन नहीं कर सकते, उसको नहीं देख सकते, तो वो भी लाइट पाइप के जरिए क्या करेंगे, वहां तक एक्सेस करेंगे, रसाई करेंगे वो चीज फाइंड आउट करने के लिए, देखने के लिए। डॉक्टर्स आर इंजीनियर। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स व्यू इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। दे कैन ऑल्सो यूज टू ट्रांसमिट इमेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो डॉक्टर्स ह्यूमन बॉडी के इनसाइड देखने के लिए, इनसाइड चेक करते हैं, देखते हैं और उसका इमेज वगैरह भी ले सकते हैं और उस इमेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट भी कर सकते हैं लाइट पाइप के जरिए। और इसी तरह से इंजीनियर भी उस चीज का जो है ना, वो इमेज वगैरह लेकर फिर उसको एग्जामाइन करते हैं, फिर उसका रिजल्ट निकालते हैं। तो ये मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है लाइट पाइप, और इंजीनियर वगैरह भी इसको ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इनएक्सेसिबल जो प्लेसेस होती हैं, वहां तक एक्सेस करने के लिए लाइट पाइप को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम। ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर, ये हमने डायग्राम बनाई ऑप्टिकल फाइबर की, और इसमें जो हमारे पास होंगी सारी फाइबर ऑप्टिक्स होंगी जिनको बाउंडेड टुगेदर, इकट्ठा उनको बाउंड किया गया है। और यहां पर हमारे पास प्रोजेक्टर लगा हुआ है जिसको हम इमेज को प्रोजेक्ट करेंगे। ये हमारे पास होगा लेंस जो कि उस ऑब्जेक्ट की क्या करेगा, इमेज बनाएगा। ये हमारे पास है लेंस। लेंस के जरिए हम उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये ए हमारे पास है, या इसका इमेज लेकर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास वो इमेज होगी जो कि ऑप्टिकल फाइबर के जरिए ट्रांसमिट होकर यहां पर आई है। इमेज ट्रांसमिटेड इमेज हमारे पास यहां पर होगी। यहां पर वो उसको क्या करेंगे, व्यू करेंगे, रिजल्ट वगैरह निकालेंगे कि ह्यूमन डॉक्टर्स ह्यूमन बॉडी के अंदर व्यू करके वो एग्जामाइन रिजल्ट निकालते हैं कि उस पेशेंट को किस किस्म की डिजीज है, या उसकी जो ट्रीटमेंट वगैरह होती है वो क्या करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। तो ये हमारे पास है लाइट पाइप का, जो कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप क्या है जी? एन एंडोस्कोप इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्सप्लोरेटरी डायग्नोस्टिक्स एंड सर्जिकल पर्पस। सर्जिकल पर्पस के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए, डायग्नोस्टिक्स वगैरह को डायग्नोस करने के लिए, एक्सप्लोरेटरी डायग्नोस्टिक्स एंड सर्जिकल पर्पस। एंड एंडोस्कोप इज यूज टू एक्सप्लोर द इंटीरियर ऑर्गन ऑफ ए बॉडी। बॉडी के एक्सटीरियर को इजिली वो देख सकते हैं, उनको किसी किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और इंस्ट्रूमेंट की। तो जो इंटीरियर ऑर्गन होंगे उनको देखने के लिए हम एंडोस्कोप को इस्तेमाल करेंगे। इसकी थ्री कैटेगरी है हमारे पास, गैस्ट्रोस्कोप, सिस्टोस्कोप एंड ब्रोंकोस्कोप। तो गैस्ट्रोस्कोप देखते हैं। द एंडोस्कोप यूज टू एग्जामाइन द स्टमक।
अब स्टमक के लिए हम गैस्ट्रोस्कोप करवाते हैं, अगर स्टमक का में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसी एंडोस्कोप जो कि स्टमक को एग्जामाइन करने के लिए, देखने के लिए, उसका रिजल्ट निकालने के लिए यूटिलाइज होती है, उसको हम गैस्ट्रोस्कोप बोलते हैं। सिस्टोस्कोप हमारे पास क्या है? द एंडोस्कोप यूज टू एग्जामाइन द ब्लेडर, ब्लेडर के लिए, ब्लेडर को एग्जामाइन करने के लिए उसमें किसी किस्म की डिजीज है या उसकी जो फंक्शनल एबिलिटी होती है, फंक्शन वगैरह उसका देखने के लिए भी हम इसको क्या करते हैं, सिस्टोस्कोप को यूटिलाइज करते हैं। फॉर एंडोस्कोप यूज टू एग्जामाइन ब्लेडर, ब्लेडर के लिए हम सिस्टोस्कोप को यूटिलाइज करेंगे। ब्रोंकोस्कोप, द एंडोस्कोप यूज टू एग्जामाइन द थ्रॉट, थ्रॉट को देखने के लिए, गले के लिए हम एंडोस्कोप जो यूटिलाइज करेंगे उसे हम कहेंगे ब्रोंकोस्कोप, और ओवरऑल इसको हम कहते हैं एंडोस्कोपी। क्या बोलते हैं? एंडोस्कोपी। कि एंडोस्कोपी हम किसकी करवा रहे हैं? अगर हम करवा रहे हैं स्टमक की तो उसको गैस्ट्रोस्कोप, अगर एंडोस्कोपी हम करवा रहे हैं ब्लेडर के लिए उसे हम सिस्टोस्कोप, अगर एंडोस्कोपी हम करवा रहे हैं इसके लिए, थ्रॉट के लिए, उसे हम ब्रोंकोस्कोप, ओवरऑल इसको एंडोस्कोपी बोलते हैं। और कैसे ये फंक्शन करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, क्योंकि इसका साइज जो होता है वो वेरी स्मॉल होता है, और इसको लिक्विड वगैरह लगाने के बाद ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, वो थ्रू नोज भी हो सकता है, वो थ्रू थ्रॉट भी हो सकता है, गले के जरिए भी हो सकता है। और इसके एंड के ऊपर हमारे पास एक टिनी कैमरा लगा हुआ होता है छोटा सा। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर डॉक्टर उसको इंसर्ट करने के बाद वहां पर कैमरे के जरिए उसकी इमेज लेंगे, क्योंकि उसके छोटा सा एक टिनी कैमरा उसके एंड के ऊपर लगा हुआ होता है, उसको इंसर्ट किया जाता है। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर जाकर एक पाइप के जरिए लाइट उस पेशेंट के ऑर्गन के ऊपर शाइन करेगी, जब लाइट पड़ेगी तो वो रोशन होगा वो, और कैमरे के जरिए उस ऑर्गन का इमेज बनेगा जो कि कंप्यूटर के ऊपर बाद में उसको एग्जामाइन करके रिजल्ट निकाला जाता है। तो इट मींस ये हमारे पास जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसर्ट करने के बाद इसको लिक्विड वगैरह लगाकर इसके ऊपर ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो। तो एक, क्योंकि उसमें जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं, और एक जो होता है हमारे पास वो लाइट को शाइन करेगा उस पेशेंट के ऑर्गन के ऊपर, और दूसरी साइड से कैमरे के जरिए उसकी इमेज बनेगी, और वो बाद में एग्जामाइन हो जाएगा हमारे पास सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। उसको एग्जामाइन करने के बाद वो रिजल्ट निकालेंगे कि किस किस्म की डिजीज है और इसका क्या जो से ना वो इलाज हो सकता है। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन थी जो कि हमने पढ़ी है आज, और इंशाल्लाह फर्दर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।